हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग फिर से एंटर हो चुके हैं डे 6 में एंटर मारने के लिए। तो आज भी हमारा शूट सिसु की तरफ होगा। तो अभी फटाफट से निकलते सीधे ऊपर के लिए, क्योंकि अपनी लाइनअप हो चुकी है सभी गाड़ियों की। अभी सीधे लोकेशन के लिए निकलेंगे और दिखाएंगे आज का माहौल। तो चलिए चलते हैं सीधे। फाइनली हम लोग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। पिछले कल रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और यहाँ पे देखिए ताजी स्नोफॉल, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाली है। रात को मनाली की तरफ बारिश आ रही थी और इस तरफ स्नोफॉल हो रही थी। हमें लगा था कि रात को रुक जाएगी, लेकिन रात को स्नोफॉल नहीं रुकी और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं आज का माहौल। भाई मस्त वाला हो रखा है। अभी ऐसा लग रहा है फॉरेन का वो कोई रोड हो, जैसे आपका स्विट्जरलैंड वगैरह। वो ये चेकआउट कीजिए, पूरा स्विट्जरलैंड लग रहा है सुबह का माहौल। और ये सारी फ्रेश स्नोफॉल है जो रात को हुई है। और अपनी गाड़ियां देखिए, यहाँ से लाइनअप लगी हुई है, वो लास्ट तक सारी अपनी गाड़ियाँ। तो लोग सुबह उठ कर अपने घर की छतों से देखिए स्नोफॉल हटा रहे हैं। भाई ये वाला माहौल देखना था एक बार और आज देख लिया। ये वाला माहौल ना फर्स्ट बार देख रहा हूँ मैं, छत से स्नो हटाते हुए। और पेड़ों पर देखिए अभी फिलहाल स्नो टिकी हुई है। और यहाँ पे देखिए अपने भाई लगे स्नो हटाने। और ये सारी भी जितनी भी गाड़ियाँ लगी है ना, सारी गाड़ियाँ अपनी है यहाँ से लाइनअप वो लास्ट तक। आज मस्त वाला माहौल हो रखा है यहाँ पर, मज़ा भी आ रहा है और अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो फिलहाल सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे लोकेशन की तरफ। तो चलिए हम भी ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और निकलते हैं लोकेशन की तरफ। तो ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट पैकिंग वाला, पता नहीं क्या क्या है। मुझे तो ब्रेड पता है, बाकी पता नहीं क्या बनाया है। तो चलिए फटाफट से करते हैं और निकलते हैं लोकेशन की तरफ। लोकेशन की तरफ निकल चुके हैं हम लोग। तो देखिए ये फ्रेश स्नोफॉल हुई है रात को। देखिए पूरा पहाड़ फिर से एक बार सफ़ेद, पहले भी था सफ़ेद बट फ्रेश वाला सफ़ेद, वाइट ऑफ वाइट, मस्त वाला सीन। सुबह सुबह हाथों में ठंड, पैरों में भी ठंड, जिंदगी झंड, फिर भी घमंड। भाई निकले हैं हम लोग एक चोटी फतेह करने। यहाँ पे देखिए ओ चल रहा है इसको लेके जा, किसको यहाँ पे पूरा एरिया स्नो से भर चुका है। और देखिए ब्रिज क्या मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए पहले ही ढक चुके थे सारा, अभी और ढक चुका है। आज फिर से एक मस्त वाला माहौल। और फिलहाल अपना मौसम साफ हो रहा है, अपने सूर्य भगवान जी निकलने वाले हैं। तो सूर्य भगवान जी निकल जाएंगे तो बहुत ठंड हो जाएगी, क्योंकि मौसम साफ होता तो बहुत ठंडा होता है। अगर मौसम बादला रहेगा तो ठंड भी कम रहती है। लेकिन चलिए धूप एकदम प्रॉपरली निकलेगी तो गर्मी होगी थोड़ी। बट मौसम आज भी ख़राब दिखाया गया है, क्या पता आज भी स्नोफॉल हो सकती है शाम तक। देखेंगे आज का भी क्या सीन बनता है। बट ब्रिज के ऊपर ना बहुत स्लिपरी है, एकदम से ऐसे आगे की तरफ स्लिप कर रहे हैं। बट ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एकदम ना स्लिपरी हो चुका है ये।
स्नो स्कूटर फंस चुका है देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट वाली स्नो थी तो अपना स्नो स्कूटर फंस चुका है देखिए, अभी निकाल रहे हैं खींच कर। चलिए चलिए चलिए, हाँ अभी इसे ले जाना पड़ रहा है। तो ये सॉफ्ट स्नो है ना, इसकी वजह से स्नो सारी हट रही है और स्कूटर पीछे की तरफ आ रहा था। तो देखिए निकल चुका है फाइनली। तो देखिए रात को कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, बिल्कुल फ्रेश वाली, पूरा एरिया भर चुका है यहाँ पर। ये देखिए एकदम फ्रेश वाली, आप शूज़ रखोगे तो सीधे मतलब अंदर जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है अभी भी, तो मुझे लग रहा है आज मौसम साफ हो जाएगा। धूप लग रही है लेकिन आज स्नो भी दिखाई है शाम तक। फाइनली अपनी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, पीछे पूरा क्रू मेंबर आ चुका है और स्टूडेंट वगैरह, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, जय श्री गणेश हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन मस्त वाला। तो यहाँ पर देखिए पूरा एरिया क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है चादर बिछी हुई है पूरी ऑफ वाइट, पूरी वाइट वाई, पूरी स्नो की चादर, एक अलग ही नज़ारा आज फिर से। जब हम लोग स्नो में चलते हैं ना, जो आवाज आती है ना वो क्या मस्त होती है यार, ये फीलिंग भाई ऑसम वाली होती है। फाइनली अपने सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं और हमारी दो लोकेशन में शूटिंग हो चुकी है ख़त्म, अभी थर्ड लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी टीम आ रही है मेरे पीछे और मैं जा रहा हूँ आगे आगे। देखिए अभी थर्ड लोकेशन पे जा रहे हैं, फिर से 2-2.5 किलोमीटर में भी, आज ज़्यादा भी चलेंगे शायद, क्योंकि आज पीक पे करेंगे हम लोग 3-4 किलोमीटर पैदल चल के। तो चलिए चलते हैं अपनी टीम के साथ आगे आगे। शुक्र है अपने सूर्य भगवान जी आ गए, मौसम साफ़ हो गया, अब ज़्यादा ठंड नहीं होगी यहाँ पे। तो चलिए चलते धीरे धीरे करके आगे की तरफ। अभी हम लोग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आगे की तरफ पहुँचे हैं, अभी मुझे लगता है 0.5 किलोमीटर और रह गया है। तो आज मस्त मतलब सांसें नहीं फूल रही है, मतलब एकदम प्लान और सॉफ्ट स्नो है तो मज़ा आ रहा है इसमें चलने का, ना सांसें फूल रही है ना ठंड लग रही है अभी फ़िलहाल के लिए, शाम तक पता नहीं क्या होने वाला है, बट मज़ा आ रहा है आज बहुत। ली तो यहाँ का व्यू यार, व्यू देख के ना सारी थकान ठंड सारी मतलब गायब हो जा रही है, इतना सारा स्नो और अपना मस्त वाला काम, मज़ा आ गया यार। ऐसा लग रहा है स्विट्ज़रलैंड है, देखिए एकदम मस्त माहौल और पूरी टीम चली हुई है कौन बाई की तरह 1x1, तो हम लोग भी चले पीछे पीछे। अभी वो लास्ट सिरे पे पहुंचना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये देखिए स्लेज, स्लेज ले जाया जा रहा है स्लेज। अभी हम लोग बैठे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं मैं और अपने सेठी भाई। तो देखिए धूप अच्छी खासी लगी हुई है और
अपना शूट चालू है वो उधर लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए लगभग ना 4 से 5 फीट स्नो है ये देखिए, और पूरा पैक हो रखा है। पिछले कल स्नो आई तो बिल्कुल सॉफ्ट वाली स्नो है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाली। मज़ा भी आ रहा है। तो फिलहाल अभी लंच होने वाला है, तो जाएंगे लंच करेंगे, आएंगे फिर से शूट करेंगे। और मौसम फिलहाल साफ है, मुझे लगता है शाम तक ख़राब भी हो सकता है क्योंकि दिखाया गया है कि स्नो पड़ सकती है। देखेंगे वेदर शाम तक क्या रहता है, बट अभी तो मस्त वाली धूप लगी, अपने सूर्य भगवान जी आ चुके हैं, मस्त सीन हो रखा है यहाँ का। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट का सॉरी लंच का टाइम हो गया है, तो सभी निकल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं अपने बेस की तरफ लंच करने। तो ये देखिए आज फिर से बिरयानी आ चुकी है, पिछले कल भी बिरयानी, आज भी बिरयानी, ऊपर से दही भाई। बिरयानी खा खा के ना ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं पहुंच गए। चलो खाते हैं फिर क्या करना। लंच करके वापस आ चुके हैं हम लोग, अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, शूटिंग चालू है। तो मुझे लगता है 2-3 घंटे और शूट होगा, उसके बाद यहाँ से आज का पैकअप हो जाएगा। कल का सीन पता नहीं है, यहीं पे शूट होगा या दूसरी लोकेशन पे, देखेंगे क्या बनता है। अपनी शूटिंग चली हुई है उधर, और क्या बताएं आपको, और तो देख लीजिए खुद ही। यहाँ पर देखिए बच्चे किस तरह से छत पे चढ़े हुए हैं, निडर बच्चे देखिए पहाड़ों के ऊपर और छत से, छत में मतलब बर्फ। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे बर्फ में खेलते हुए, तो ये पहाड़ी बच्चे हैं, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। देखिए ओ भाई इतनी ठंड है, लेकिन वो बिना चप्पल और बिना ग्लव्स और एक एक पतली सी स्वेटर लगा के किस तरह से खेल रहे हैं, देखिए भाई डेडिकेशन। मतलब बचपन में पता ही नहीं होता आप लोग कैसे खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको टेंशन नहीं होती। देखिए स्केटिंग कर रहे हैं छत के ऊपर से, अब देखो ये भी करेंगे। ओ भाई कैसे हो है? ये बोल रहे हैं लो चॉकलेट दे दो। क्या चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए? अभी तो है नहीं चॉकलेट, बाद में देंगे आपको, ठीक है? अभी है नहीं, अभी है नहीं चॉकलेट। और एक्टिव कितने ज्यादा देखे बच्चे। तो फाइनली अपना पैकअप होने वाला है, मतलब हो ही गया, बस 10 मिनट और, क्योंकि अभी टाइम लैप्स के लिए एक कैमरा लगा है, बाकी तो सारा पैकअप हो चुका है। बस 10 मिनट बाद सारी गाड़ियां भरना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे घर की तरफ। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं शायद इसी जगह पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक। वो देखिए स्नो के बीच टाइम लैप्स ले रहे हैं, ये देखिए एक टेंट है उसके अंदर लाइटें जलाई है, वहाँ पर टाइम लैप्स लिया जा रहा है।